कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, एक दो दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। पॉस्को की जो धारा है वो हटाई गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ, तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण मतलब वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण जी कोई भी फैमिली से उसमें पार्ट नहीं लेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो ये तो हमारी पहली मतलब हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आप जो जंतर मंतर आएंगे या धरना दोबारा शुरू? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा एक दो प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है, FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और दो तीन बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।